Good morning, students. Today we will continue with the chapter number seven, that is, Ria's train got late. It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near riverbank area. In some field, there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The bridge was very. ट वॉज डिलइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज बहुत ही मज़ा आ रहा था खिड़की के बाहर से नजारे को देख कर फील्ड फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप वीयर रिवर बैंक एरिया और नदी के किनारे पर जो खेत थे वो पूरे के पूरे ग्रीन क्रॉप से भरे हुए थे देर वॉज फार्मिंग ऑफ बनानास कुछ खेत केले के थे ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड और हर जगह ग्रीन कलर के बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे द ब्रिज वॉज वेरी कूल और जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ठंडी ठंडी थी आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रिज इन गांधीधाम वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स when Mamas कॉल्ड ऑन my मदर्स मोबाइल

वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स वैन मामाज कॉल ऑन माई मदर्स मोबाइल और मेरी मम्मी के फोन पे जो मामा का फोन आया तब हम लोग बहुत ही बिजी थे ये सारे सीन्स को ऑब्जर्व करने में ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अस अप और वो रेलवे स्टेशन पे आने वाले थे हम लोगों को लेने के लिए So my mother told that our train was two hours late and we will reach at टेन ट्वेंटी फाइव इंस्टेड ऑफ़ एट ट्वेंटी फाइव तब मेरी मम्मी ने उनको ये बोला कि हम लोग अभी एट ट्वेंटी फ़ाइव के बदले टेन ट्वेंटी फ़ाइव आएँगे क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो दो घंटे लेट है नाओ इट इज़ नाइन ओ क्लॉक our train was passing through one big city on the way there were many bridges of roadways on both sides of railway tracks big buildings and markets were seen father said that it is suras city this city is famous for its diamond business and textile business in the whole world this is the second big city of Gujarat after Ahmedabad. Train stopped when the station came. Now it is 9 o'clock. Our train was passing through one big city. Now train city big city. On the way there were many bridges of roadways. ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स वीन अब उसकी जो ट्रेन थी वो एक बड़ी सिटी से पास हो रही थी तो उन्होंने देखा कि दूसरे ब्रिजेस लाइक रोडवे जिस पे तो वहीकल्स हैं वो जा रहे थे और वो दोनों तरफ से थे जो रेलवे ट्रैक्स था उनके दोनों तरफ पे ऐसे ब्रिजेस थे और इवन उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मार्केट्स भी देखे एंड फादर सेट दैट इट इज़ सूरत सिटी दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड अब उसके फादर ने उसको बताया कि ये सूरत सिटी है जो सूरज सिटी है वो पूरे वर्ल्ड में अपने डायमंड और टेक्सटाइल यानी कपड़ों के व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है दिस इज़ द सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद जो सूरत सिटी है वो सेकेंड बिग सिटी है एंड ट्रेन स्टॉप वैन स्टेशन केम और जब सूरत सिटी आया तो वहाँ पर जो उनकी ट्रेन है वो रुक गई नाउ मैनी पैसेंजर्स वर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म हेयर सम वियर पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेसिस वर सीन सम वूमन हैड वॉर्न साड़ी लाइक धोती वाइल्ड सम मैन हैड ब्रेप्ड वाइट दोती लाइक लुंगी सम पीपल्स लैंग्वेज वॉज ऑल्सो डिफरेंट नाउ मैनी पैसेंजर्स वर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म अब बहुत सारे पैसेंजर जो थे वो प्लेटफॉर्म पर इधर से इधर घूम रहे थे हेयर सम वेयर पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेसिस वर सीन और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे उसने काफ़ी सारे लोगों को देखा जिन्होंने अलग अलग कपड़े पहने थे सम वूमेन हेड वॉन साड़ी लाइक धोती औरतों ने जो साड़ी पहनी थी वो धोती के जैसी पहनी थी एंड वाइल्ड सम मैन हैड व्रेब वाइट धोती लाइक लूंगी और कुछ आदमियों ने वाइट कलर की धोती को लुंगी की तरह पहना था एंड सम पीपल्स लैंग्वेज वॉज अल्सो डिफरेंट और यहाँ पे कुछ लोगों की भाषा जो थी वो भी अलग अलग थी एंड फादर सेड पीपल ऑफ़ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस और उनके फादर ने उनको ये भी बताया कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं व्यापार के लिए आके बस गए हैं सो हियर पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका जो पहनावा है वो भी अलग है एंड फादर ब्रॉड सूतर एंड गाड़ी विच आर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत द ट्रेन हॉल्टेड फॉर 5 मिनट्स एंड देन मूवड और फादर ने सूतन और गाड़ी जो वहाँ की फेमस स्वीट डिश है वो लेकर आए और ट्रेन जो थी वो सूरत पे 5 मिनट रुकी और उसके बाद वो वहाँ से चल पड़ी and father said वापी would come soon after नवसारी and valsar we would reach वापी within an hour aur और ne ने उनको bataya बताया कि अब नवसारी के बाद वापी आएगा और बाद में वलसाड़ आएगा और हम लोग वापी एक घंटे में पहुंच जाएंगे एंड मदर mama मामा phone दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एंड आर और मम्मी ने मामा को फोन करके ये बताया कि हम लोग वापी एक घंटे के दौरान पहुँच जाएंगे नाओ हिमाश एंड आई वर हैप्पी टू रीच एट मामाज होम आवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी वेयर वी हैव टू गॉट डाउन अब मैं और हिमाक्ष बहुत ही खुश थे क्योंकि हम मामा के घर पहुंचने वाले थे और हमारी ट्रेन जो थी वो वापसी पहुंचने ही वाली थी जहां हमें उतरना था मामा कॉल दैट दे हैड रीच द स्टेशन टू पिक अस अप अवर जर्नी वॉज लॉन्ग बट हिमाक्ष एंड आई इन्जॉय अलॉट और हमारे मामा को फोन आया कि हम लोग स्टॉप पे लेने के लिए पहले ही पहुंच गए हैं हमारी जो जर्नी थी वो काफ़ी लंबी हो चुकी थी लेकिन मैंने और हिमाक्ष ने बहुत ही मज़ा किया इस जर्नी के दौरान नाउ आई पैनिंग ऑफ माई डायरी आई शैल राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग एट मामाज होम अब रिया बता रही है कि मैंने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिख ली है और अब वो ये बोल रही है कि अब जो मैं है ये डायरी लिखना बंद कर रही हूँ और बाकी का मैं मामा के घर पे जाके लिखूँगी सो स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी रिया की जर्नी इट्स रियली इंजॉयल स्टूडेंट्स हेयर वी कम्प्लीट आवर चैप्टर नंबर सेवन दैट इज़ रियाज ट्रेन गॉट लेट थैंक यू